स्वामी जी, लोगों को आजकल हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। हम शुरुआत में कह रहे थे मम्मी जो है वो मॉम हो गई हैं, पापा डैड हो गए हैं, ब्रदर को ब्रो कह के बुलाने लगे हैं, और सेहत में भी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो दवाइयाँ खा के, सर्जरीज करवा के ऐसे अपना वजन घटाना चाहते हैं, अमेरिका में हुई स्टडी ये बता रही है कि दवाएं सेहत के लिए बहुत खतरनाक हैं, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, फिर भी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। तो इसमें एक चीज देखें, एक शब्द है बोल रहा हूँ, परिणाम। क्या शब्द बोला? बोलो, किसी चीज का परिणाम, रिजल्ट क्या होगा, इसका विचार करके कोई भी काम करो। दारू पीने का, बीड़ी सिगरेट, शराब पीने का, और ज्यादा खाने का, योग न करने का परिणाम क्या होगा, इसको सोच करके फिर आप कभी भी गलत चीजों में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। तो बैठ करके ऐसे, और फिर आगे झुके, पीछे झुके, और पूरा कर सके तो ऐसे और ऐसे, आगे भी पीछे भी पूरा। अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके ऐसे कर लेते हैं। तो फैट कटर्स, एक बालक ने फैट कटर खाए और बाद में मेरे से मिला, एक बार तो हो गया था 70 का, बाद में मिला सीधा ही डबल 140 का होकर के, फिर तो उसने वजन मापाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा बेटा कितने का है? बोला अब मापना ही बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोला अब मशीन का कांटा देख के डर लगता है। तो फैट कटर खाया तो 70 कर लिया, बाद में 1.5 क्विंटल। रियल बात बता रहा हूँ, उसका नाम सोम है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये फैट कटर। और थोड़े प्रोटीन पाउडर खाते हैं बच्चे आजकल, और अरे ये सब मामला गड़बड़ घोटाला है। जिनको भी मोटापा है प्रोटीन पाउडर मत खाओ, प्रोटीन डाइट, फिर ये फैट कटर, और फिर इंजेक्शन भी लगाते हैं, और फिर लाइपोसेक्शन करके फैट को खींचते भी हैं, बैरिटिक सर्जरी कराते हैं, फिर कुछ लोग जिम, जिम ठीक है, किसी को टोले शोले बनाने हो, बॉडी शोडी अलग अलग तरह के, जिनको आकार प्रकार बनाने हो। हमने एक दिन भी जिम नहीं किया, कभी कभी नाटक जरूर कर लेते हैं दिखाने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी कोई अच्छी नहीं है, हमारे बाइसेप ट्राइसेप, हमारे पेट पीठ अच्छे नहीं है क्या? बच्चे बोल रहे हैं, जवान जवान आपकी बॉडी तो बॉडी शोडी बोलते हैं टोले शोले ठीक है, ऐ पंजाब का मुंडा है, लंबे लंबे श्वास। तो सुनो, तो ये जो मामले है ना सारे, फिर लोग बहुत पसीना बहाते हैं कई बार, तब भी कम नहीं हो पाते। और जैसे ये प्रीति बोल रही थी, इसका तो वेट स्टक हो गया था, पिछले 4 सालों से 1 ग्राम भी वजन नीचे नहीं आ रहा था, और पानी भी पी रही थी तो घी की तरह लग रहा था, भुजंगासन सर्वासन, वेट का पूरा पैकेज चल रहा है। फिर इसमें ये मड थेरापी बड़ी लाभ करती है, जो हमारा ये बालक बैठा हुआ है ना, एकदम गोल मटोल, हाँ, ये मड थेरापी मिट्टी में। स्वामी जी, लोगों को ये भी बताना बड़ा जरूरी है, करके फिर ये ड्राई मसाज करके, ये सब फिर स्टीम दे करके, और योग करा करके, खाने पीने पर कंट्रोल करा के, रोज आधा किलो तो घर बैठे यहाँ आके 1 से 2 किलो कम कर देते हैं जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, लोगों को ये बताना बड़ा जरूरी है कि एकदम से वजन कम करने के चक्कर में बॉडी में बहुत सारी चीजों की डिफिशियंसी हो जाती है, मेडिसिन खा के, दवा खा के, एकदम से वजन कम करने को लेकर के ICMR ने एक अलर्ट जारी किया है, और ये कहा गया कि एकदम से वजन कम करने के बजाय हफ्ते में आधा किलो भी अगर कोई वजन अपना कम कर रहा है तो ये ठीक है, काफी है, लेकिन खाने में एक दिन में 1000 से कैलोरी कम नहीं होनी चाहिए। जबकि लोग वजन कम करने के चक्कर में कई बार पूरे पूरे दिन कुछ खाते नहीं हैं और दवाओं का अलग से डोज ले रहे होते हैं, और इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। अब स्वामी जी, इस शरीर में क्या क्या चीज़ें कम हो रही हैं, ज़रा लोगों को बताइए ताकि लोग ज़रा समझें कि कितना नुकसान हो रहा है। अब इस स्टडी में ICMR को भी थोड़ा और प्रोग्रेसिव होने की ज़रूरत है। आप आधा किलो से 1 किलो वजन एक दिन में कम कर सकते हैं, लेकिन तरीके क्या अपनाएं,
तरीके ये अपनाएं कि आप तीन चीज़ें खाएं, फ्रूट्स, सलाद एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स लें जितने भी अलग, और ड्राई फ्रूट्स एक एक दो दो, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, यहाँ सबको खिलाते हैं हम। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स सबसे अच्छे होते हैं, केला, आम आदि को छोड़ करके। सलाद, सैकड़ों तरह की सलाद आती है आजकल तो। फिर सब्जियाँ, सैकड़ों तरह की सब्जियाँ हैं, लेकिन वो सब्जियाँ कैसी होनी चाहिए, या तो एक चम्मच गाय के घी में, तिल के तेल में, नारियल के तेल में, ऐसे थोड़े तेल में छौंकी हुई, एक चम्मच में, एक चम्मच में अच्छे से तड़का भी लग जाता है और उसमें मसाले आदि भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि केवल उबली हुई सब्जी लोगों को भाती नहीं है। वैसे जिनको उबली हुई सब्जी का स्वाद, टेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर उनको ये अलग अलग प्रकार के मसाले वाली सब्जी उनको पसंद भी नहीं आती हमारी तरह से। खैर, तो आपको तीन चीज़ें खानी है, अपना डाइट का चार्ट बदलना है, और डाइट में तीन चीज़ों को सम्मिलित करना है। आज के बाद सभी मोटे मोटे भाई बहन सुन लो, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। सुबह सूरज की धूप में बैठना, विटामिन डी पूरा मिलेगा, और ये जो जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ बताते हैं ना, मोरिंगा खा लो, बी ट्वेल्व की कमी नहीं होगी, और थोड़ा कैल्शियम आयरन के लिए थोड़ा मिलेट्स, मल्टीग्रेन दलिया, मल्टीग्रेन आटा, नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन दलिया, अलग अलग, और उसमें भी सबसे अच्छा होता है रागी, बाजरा, जवार। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लीजिए, क्योंकि जब आपका फैट ज़्यादा होता है तो लाइपोजेनेसिस ज़्यादा होता है, इसको घटाने के लिए लाइपोलाइसिस को बढ़ाना पड़ेगा तो वेट कम होगा। तो तीन चीज़ें लेनी है, गर्म पानी पीना है, बस्ती लेनी है, फिर ये मड थेरापी, वाटर थेरापी, मड थेरापी जब ये लेते हैं ना, और साथ ही में अंदर के टॉक्सिन्स को कम करने के लिए जल नीति, सूत्र नीति, कुंजरा आदि क्रियाएँ कर लेते हैं, जो हमारे योगाचार्य बच्चे यहाँ पर रोज करके दिखाते हैं, आज भी बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, और इसका बस्ती रोज आधा किलो वेट कम कर देती है, एक ही प्रोसीजर। एलोपैथी में 5,000 से लेके 50,000 से लेके 5,00,000 तक का, ब्रेन का, कान का, आँख का, हार्ट का, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, घुटने का, कमर का, 1,00,000 से लेके 5,00,000 तक ले लेते हैं, और हम तो यहाँ बस्ती करवा करके जीएसटी, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, ये उद्वर्तन ड्राई मसाज करा के, स्टीम दे करके, मिट्टी का लेप लगवा करके, फिर मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, और हाँ अश्वगंधा के पत्ते और साथ में खिला देते हैं, गोधन अर्क वेट गो मेदोहर। फिर किसी को, अब देखो ये तो हो गया जनरल, समझ ये सब तो ठीक है, फिर थायराइड के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, और जेनेटिकली जिनका वेट ज़्यादा, उसके लिए फिर थोड़े अलग उपाय भी अपनाने पड़ेंगे मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी।